तो सिर्फ राकेश भाई को और बंधुओं को मिलने आई थी। मेरे साथ गांधी संस्था के श्री रामचंद्र राही आए हैं, डॉक्टर अन्नामलय जी आए हैं और भी साथी लोग आए हैं। हमें गांधी संस्था से जुड़े हुए हैं, गांधी नेशनल उसके म्यूजियम से और गांधी स्मारक से। और मेरे साथ तमिलनाडु की बहन आई है और मेरे अपने सचिव आए हैं नीरज भाई। हमें 3 घंटे लगे दिल्ली से यहाँ पहुँचने में, लेकिन ऐसी अद्भुत यात्रा जीवन की कभी नहीं भूलूंगी मैं। और मेरठ बचपन से ही, मेरठ और हापुड़ तो ऐतिहासिक जगह रही है। इधर से गुजरना जैसे कि मैं अपने पीछे के दिनों में चली गई, जब गांधी का युग था और जब मैं बहुत छोटी थी और जब अहिंसा की क्रांति होती थी। आज मैं आप लोगों को नमन करने आई हूँ कि अगर आज हम जिंदा हैं तो आप लोगों के कारण। अगर किसान भाइयों का हित नहीं होता है तो हमारा देश का हित नहीं होगा, मेरा हित नहीं होगा। मैं किसी भी राजनीति दल के लिए नहीं आई हूँ। हमारे साथ कोई पुलिस एस्कॉर्ट नहीं है, कोई नहीं है। हमारे साथ सिर्फ आप लोगों का प्यार है, उससे अधिक मेरा है जो मैं आप लोगों के प्रति। आज मुझे मौका मिला है कि मैं जिंदगी भर जिनके काम के कारण मैंने खाया है, मेरे बच्चे बड़े हुए हैं, मेरे साथ लोग रहे हुए हैं, मैं किसी को खिला सकती हूँ, मैं कुछ खा सकती हूँ। आज आप लोगों ने बुलाया है, आप लोग मेहमान हैं यहाँ दिल्ली के, लेकिन मैं आपसे कहती हूँ कि आप लोग हमेशा ही हम ही आपके मेहमान रहें, क्यों आप लोगों के द्वारा ही हम खाते रहें। मैं दिल्ली की 87 साल की वयोवृद्ध हिंदुस्तान की नागरिक हूँ और मैं राकेश भाई को और भी भाई लोगों ने आपको भी सबको मैं बहुत प्रणाम करती हूँ। और आप सबको मैं कहती हूँ, जो भी है, जो भी कुछ हो, मैं राजनीति बिल्कुल नहीं समझती, मैं तो अनपढ़ हूँ और मुझे आप अपने गांव का ही समझिए। मुझे दिल्ली की हूँ लेकिन समझिए मैं आप लोगों की हूँ। और मैं आप लोगों से कहती हूँ, वयोवृद्ध अवस्था में मैं सिर्फ प्रार्थना करने आई कि सत्य की जीत हो, आप लोगों का जो अभाव है वो पूरा हो। और जो भी देश में हो, मैं सच कहूँ आपके सामने इतना अनपढ़ व्यक्ति कभी नहीं आया होगा। मुझे गांधी जी की भी मैंने पोथियाँ नहीं पढ़ी हैं, उनके साथ मेरी 14 साल की उम्र तक अनुभव रहा है। और मातृशक्ति की भी वंदना करती हूँ जो बहनें यहाँ हैं, कि महात्मा गांधी आज उस जगह नहीं होते, हमारे राष्ट्रपिता, अगर उनकी सहधर्मिणी कस्तूरबा ने उनका साथ नहीं दिया होता। इसलिए मैं आज सब बहनों को भी प्रणाम करती हूँ, बहनों को, माताओं को, बच्चों को, सबको। किसान हित में हमारे देश का हित है, मेरा हित है। दिन सारे जीवन में जो मैं आभार युक्त रही हूँ, आज मैं सिर्फ उन्हीं को जिनसे मैंने लिया है उनको प्रणाम करने आई हूँ। अगर आपका हित नहीं होता है तो हमारा हित नहीं होगा। मैं कानून भी नहीं जानती हूँ, मैं भी एकदम से मैं अंधेरे में समझे तीर चला रही हूँ कि जो भी हो आपका भला हो, आपके परिवारों का अच्छा हो और आप यहाँ सदा मेहमान बने, अच्छी तरह से रहें, खुश होकर मेहमान रहें। ये एक बात और भी है कि हमने पर्यावरण को इतना दूषित किया है, मन को दूषित न करें। मेरी इतनी विनती है भाई बहनों से कि हमारे जो बच्चे हैं आज वो कल के नागरिक होंगे। राकेश भाई, मैं आपके द्वारा, भाई साहब आप लोगों के द्वारा ये कहूंगी कि मन की हिंसा को हटाइए। मन की हिंसा होती है वो वातावरण को प्रदूषित करती है। आप लोगों में इतनी सच्चाई है कि आपको हिंसा की भाषा की आवश्यकता ही नहीं है। आपकी जो वजह है, जो आपके कारण है, वो सब इतने, उसमें इतना सत्य है कि सत्य स्वयं ही बोलता है। और मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को मेरी तो प्रार्थना होगी, मैं आप लोगों की बहन हूँ, माँ हूँ, आप लोगों की मैं बच्चे, मैं धरती की बेटी हूँ। आप लोगों का दिल्ली में स्वागत है, बहुत स्वागत है। मैं आज जो देख के आई, जैसे चंद हैं सब लोग बैठे हुए, भगवान इस उम्र में मुझे ये दर्शन दिया तो मुझे लगता है जैसे मेरा जीवन सफल हुआ। आज मेरा जीवन सफल हुआ आप लोगों का सबका आतिथ्य पाकर, इतना प्रेम और स्नेह पाकर।
मैं बहुत खुश हूँ, बस मुझे लगता है कैसे मैं आप लोगों को कुछ खाना बना के न खिलाऊं। अन्न तो आपका ही होगा लेकिन बनाने वाली मैं होंगी। मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, मैं आपके सत्य के साथ हूँ, सदा रहूंगी। मैं न राजनीति में हूँ न कानून में हूँ, मैं तो अनपढ़ एक वयोवृद्ध नागरिक हूँ। और मैं आज नमन करती हूँ सत्य को, सौंदर्य को, कल्याण को और धरती को। माँ धरती के हम सब बच्चे हैं, हमारे बच्चे सुरक्षित रहें और अवश्य हर किसान को एयर कंडीशन गाड़ी मिले, क्यों ना मिले। और महात्मा गांधी, मैं सत्य और अहिंसा की बात लेके आई हूँ और भगवान आप लोगों के आशीर्वाद से मेरे बचे कुचे जो भी क्षण हैं जीवन में वो हों। आज इसके बाद मुझे जीवन में सचमुच में कोई इच्छा नहीं, बहुत दिनों से प्रबल इच्छा थी। और डॉक्टर अन्नामलय जी ने कहा, उनको मैंने आप उनको धन्यवाद दिए, उनको मैंने जब कहा कि डॉक्टर अन्नामलय मैं जाना चाहती हूँ तो उन्होंने ये नहीं कहा आप इतनी वृद्ध है नहीं जा सकी, उन्होंने कहा मैं सब तैयारी करूंगा। और राकेश भाई भी हम मिल गए, आप लोग मिल गए और सबने कहा कि हम तैयार हैं। और हमारे सामने इतने बुजुर्ग भाई बैठे हैं, रामचंद्र राही जी, वो भी एकदम से तैयार हो गए। तो हम दो गाड़ियों में किसी तरह रास्ता, वो सब जगह बंद था, ये था पता नहीं क्या था दिल्ली का नजारा, लेकिन आके हम आप लोगों के टेंट में आ गए। और आप लोगों का आशीष मिया, आपको बहुत बहुत मेरा प्रणाम, मेरे अभिनंदन, सत्य की जय हो।